रीवा के डभौरों में भालू ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया। भालू के गांव में घुसने से दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लॉकडाउन के दौरान डभौरा वन परिक्षेत्र के गांव में भालू के घुस जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। जब विभाग की टीम वहां पहुंची तो लोगों ने राहत की सांस ली। भालू के हमले से घायल हुए ग्रामीणों को रेंजर पन्नालाल द्विवेदी ने उप स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया। रेंजर ने भालू के हमले से घायल हुए ग्रामीणों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई। गौरतलब है कि इस भालू ने 2 गांव में 3 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। यह है तो क्या कि जो ग्राम जसरी और लोहगा है, ये सब जंगल के किनारे गांव बसे हुए हैं। सुबह सुबह लोग बाग क्या है महुआ सबका गिरने के लिए बाहर जाते भी हैं या बाहर निकलते भी हैं। किसी भालू ने जो है वो भालू ने इनके ऊपर 3 लोगों पर मुख्य था, 2 तो जसरी के और एक जो है तो लोहगा का। जैसे वहाँ से समाचार आया बनमला मौके में पहुँचा, भालू तो भाग गया था, लेकिन उनको ला करके प्राथमिक उपचार से दोबारा में करवाए, उनको प्राथमिक उपचार के लिए कुछ सहायता दी दिया और आगे उनकी मदद के लिए कार्रवाई कर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।